गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो सेशन हमारा कुछ रिक्वेस्ट के ऊपर आया है। कुछ व्यूअर्स रिक्वेस्ट किए थे कि रेजिस्टर और कैपेसिटर कैसे चेक होता है, तो मैंने उनको कमेंट में लिखा भी था कि मैं हमारे नए अपकमिंग वीडियोस में ये दो सेशन आपका मैं जरूर डालूंगा। तो हम एक एक करके देखेंगे, पहले रजिस्टर देखेंगे और दूसरे पार्ट में देखेंगे कैपेसिटर। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो पहला वीडियो हम देखेंगे रजिस्टर के ऊपर। तो चलिए आइए देखते हैं कि रजिस्टर को हम ऑफलाइन कैसे चेक करेंगे, मतलब रजिस्टर सही है कि खराब है, किस तरह से हम जानेंगे। तो आज हम देखेंगे रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चेकिंग के पहले बता देना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। तो देखिए, रजिस्टर का काम क्या होता है। रजिस्टर क्या करता है, करंट को, जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है। ठीक है, रजिस्टर का काम बस इतना ही है। आप अगर किसी फ्लो ऑफ करंट के बीच में, अगर किसी पाथ के बीच में अगर रजिस्टर लगा देंगे, तो उसके वैल्यू के हिसाब से वो उतना करंट वो उसको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टर के नाम से ही पता चलता है, रेजिस्ट करता है वो करंट को। ठीक है, तो बोर्ड में जनरली दो प्रकार के रेजिस्टर मिलते हैं, SMD, सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप बोर्ड हो, एक होता है इंडिविजुअल रेजिस्टर और एक होता है नेटवर्क रेजिस्टर। अब इंडिविजुअल रेजिस्टर जैसा होता है, नेटवर्क भी वैसा ही है, लेकिन एक साथ इंडिविजुअल रजिस्टर दो तीन उसमें रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन रजिस्टर इन ए पैकेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक रजिस्टर है जिसके ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है 680, तो नेटवर्क रजिस्टर के ऊपर भी लिखा हुआ रहेगा 680। उसका मतलब क्या होगा कि चार, डिपेंड करता है कितने का पैक है। अगर चार, फॉर एग्जाम्पल चार मान लेते हैं, तो चार ही आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। एक पैक में चारों का वैल्यू दिखाएगा 680। वो आप जब मिलेगा आपको नेटवर्क रजिस्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब रजिस्टर को हम ओम से मेज़र करते हैं, उसका यूनिट होता है ओम। और जो लैपटॉप बोर्ड या फिर डेस्कटॉप बोर्ड में जहाँ भी रजिस्टर लगा हुआ रहता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैपटॉप बोर्ड में आर या फिर PR। PR मतलब पावर, आर पावर रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया उसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि इसका चेकिंग कैसे होता है। देखिए, इसका चेकिंग प्रोसीजर कैसा है, पहले थ्योरेटिकल समझ जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अब देखिए, मल्टीमीटर, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, मल्टीमीटर ऑलवेज चेक द रजिस्टर वैल्यू इन ओम। जैसे मैंने आपको बताया, इन SMD रजिस्टर वैल्यू विल बी रिटन ऑन इट। मतलब क्या है, SMD रजिस्टर पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 680 का मैंने एग्जांपल दिया था, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब मेन चीज़ हमको समझना है, अगर 680 लिखा हुआ है तो हम उसको कितना समझेंगे उसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, एग्जांपल पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 680 है, ये बहुत सिंपल है, आप समझिए थोड़ा, 680 अगर लिखा हुआ है तो देखिए, पहला तो जो लेटर होगा उसको रख दीजिएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो लास्ट में जीरो है उसको 10 के साथ उसके पावर में डाल दीजिएगा। यहाँ पे जीरो है तो 10^0 मतलब जीरो होता है। ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या होगा, ये 68 ओम ही हो गया। अब देखिए ज़रा इसको, ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 472 अगर लिखा हुआ है, यहाँ पे 680 के जगह पे अगर 472 लिखा हुआ है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 2 मतलब लास्ट में 10^2 हो जाएगा। यहाँ पे 47 जैसा का तैसा आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10^2 मतलब 4700 ओम, मतलब 4.7 किलो ओम। ठीक है, इस तरह से मेज़र किया जाता है, ये हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे ज़रूर। अब क्या है, अगर कोई रजिस्टर के ऊपर आपको आर दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4R7 आपको दिखेगा, तो उसका आर का मतलब और कुछ नहीं, आर का मतलब होता है पॉइंट। तो 4R7 का मतलब होगा 4.7 ओम।
ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, एग्जांपल दिया हुआ है कितने का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो और थोड़ा सा जान लेते हैं रजिस्टर के बारे में, क्योंकि बोर्ड में रजिस्टर आइदर सीरीज़ में लगा हुआ रहेगा नहीं तो पैरेलली लगा रहेगा। तो सीरीज़ में अगर लगा हुआ है उसको आप अगर इंडिविजुअली चेक करेंगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, जिसके लिए मैं ये समझाना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, रजिस्टर अगर सीरीज़ में लगा हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं आर टोटल का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, आर वन प्लस आर टू जहाँ तक हो, मतलब वो प्लस होता जाएगा। ये अगर 100 है, ये अगर 100 है, ये अगर 100 है, ये प्लस होता जाएगा, ठीक है। सीरीज़ में लगा हुआ रहेगा तो आप कहीं पे भी अगर मेज़र करेंगे तो टोटल सर्किट का वैल्यू दिखाएगा। अगर मान लेते हैं ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तीन अगर है तो आप कहीं पे भी देखेंगे तो 30 दिखाएगा। तो आप फिर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 10 लिखा हुआ है 30 क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। और ठीक उल्टा पैरेलल में होता है, पैरेलली अगर लगा हुआ है यहाँ पे दो रजिस्टर या फिर तीन रजिस्टर, अगर एक का वैल्यू वैसे ही हम मान लेते हैं 680 है, ये भी 680 है, ये भी 680 है, तो आप किसी भी रजिस्टर पे अगर लगा के चेक करेंगे तो उसका वैल्यू आधा हो जाएगा इस फॉर्मूला के तहत। इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो ये उसको डिवाइड कर देता है तो ये 34 दिखाएगा, ये भी 34 दिखाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा रजिस्टर का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने समझा कि रजिस्टर को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो तीन यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 680, ये उल्टा है, ठीक है। तो इसको हम अगर 680 का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, तीन, ये देखिए मैंने दो साइड में दो मल्टीमीटर का प्रोब लगाया, देखिए ये प्रोब दोनों पे लगाया हुआ है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हाँ बस, अब देखिए मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर साइड में है, वहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, देखिए 68 है, ठीक है। ये हमने अभी मल्टीमीटर पे कहाँ पे रखा है, मल्टीमीटर में रखने का नियम क्या होता है, जितना वैल्यू होता है उसके ऊपर रखना पड़ता है। तो 68 ओम है, इसलिए हमने इसको, देखिए अभी 2000 में रखा हुआ है तो 0.68 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं देखिए, ये चीज़ अच्छा हुआ कि 2000 पे रखा हुआ था, अभी मैं देखिए इसको 200 में रखता हूँ, अब 200 में रखने से कितना आता है, देखिए मैं फिर से वहीं पे रख रहा हूँ, देखिए अब 68.3 आ रहा है, तो 0.68 आ रहा था, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इस तरह से हम रजिस्टर को मेज़र कर सकते हैं।